Hello kids, welcome to my channel Knowledge First to Fifth. If you are first on my channel, so like, share and subscribe. Okay, आज मैं आप सभी को बहुत ही मजेदार कहानी सुनाऊंगी. Okay, जो है हाथी और मित्र की कहानी. चलो जल्दी से शुरू करते हैं. एक अकेला हाथी अच्छे दोस्त की तलाश में जंगल में घूम रहा था. हाथी ने बंदर से मुलाकात की और उससे दोस्ती करने के लिए कहा. बंदर ने मना कर दिया क्योंकि हाथी उसकी तरह पेड़ों पर नहीं झूल सकता था. हाथी आगे बढ़ता रहा और खरगोश से मिला. उसने खरगोश से दोस्ती करने के लिए कहा लेकिन खरगोश ने मना कर दिया क्योंकि हाथी उसके बिल के लिए बहुत बड़ा था. हाथी आगे बढ़ा और एक मेंढक से मिला और उससे वही सवाल पूछा जो उसने दूसरे जानवरों से पूछा था. मेंढक ने उसकी दोस्ती करने से मना कर दिया क्योंकि हाथी उसकी तरह कूद नहीं सकता था. हाथी ने अलग अलग जानवरों से यही सवाल पूछा लेकिन उन्हें एक ही जवाब मिला. उसी दिन हाथी ने देखा कि सभी जानवर डर के मारे भाग रहे हैं. हाथी ने भालू को रोका और उससे इतनी जल्दी का कारण पूछा. भालू ने उसे बताया कि एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया है. हाथी ने विनम्रता से बाघ से सभी जानवरों पर हमला करना बंद करने के लिए कहा लेकिन बाघ ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. कोई और विकल्प न पाकर हाथी ने बाघ पर हमला कर दिया और उसे भगा दिया. सभी जानवर हाथी के आभारी थे और उन्होंने कहा कि वह उनका दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही आकार का है. तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? मित्र किसी भी आकार और स्वरूप के हों, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए. मित्र तो मित्र होते हैं, है ना? Okay kids, subscribe the channel.